सो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है गम रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल डिस्कशन ऑफ एनीथिंग। सो काफ़ी समय बाद मैं लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ, साथ ही साथ काफ़ी समय बाद अपने चैनल पे एक वीडियो आ रही है। तो आज की वाली वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी धनतेरस, सेकेंडली आज हम लोग बात करने वाले हैं, वैसे तो आपको इस वीडियो का टॉपिक पहले से ही पता चल गया होगा, बट फिर मैं बता देता हूँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं टू स्ट्रॉन्गेस्ट पीक्स के बारे में, यानी आज हम दोनों बीइंग्स का कंपैरिजन करेंगे जो कि है किंग कॉन्ग और हल्क। दोनों ही पावरफुल बीइंग्स हैं अपने अपने यूनिवर्स के, तो आज हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि अगर ये दोनों किसी तरह ये दोनों भिड़ गए तो क्या हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की अपीयरेंस के बारे में। तो बेसिकली किंग कॉन्ग एक जाइंट एप है और इसका अपीयरेंस हुआ था सबसे पहला 1933 में, जहाँ पे किंग कॉन्ग की पहली मूवी रिलीज की गई थी। दूसरा हल्क के बारे में बात करें तो हल्क भी एक पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव बीइंग है। इसकी पहली अपीयरेंस हुई थी 1962 की कॉमिक में इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक में, जहाँ पर इसका डेब्यू किया गया। दूसरा आते हैं अब इन दोनों के ओरिजिन के बारे में बात करूँ तो हल्क बेसिकली ब्रूस बैनर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया गामा रेडिएशन के ऊपर, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो गामा रेडिएशन को उसने खुद के ऊपर यूज करके देखा, बट कुछ दिक्कत होने के कारण वो एक जाइंट मतलब वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में तब्दील हो। अगर अब हम लोग बात करते हैं किंग कॉन्ग की ओरिजिन के बारे में, तो किंग कॉन्ग बेसिकली एक जाइंट एप है, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब काफ़ी पावरफुल गोरिल्ला है। उसका जो पूर्वज थे उसके वो पहले जो है ना फॉलोअर्स में रहते थे, बट फिर क्या हुआ वहाँ पे दिक्कत होने लगी उन्हें और फिर वो लोग आगे स्कल आइलैंड थे, वहाँ पे स्कल क्रॉलर्स ने कॉन्ग के पेरेंट्स को उसके सामने मारा, ठीक है, लेकिन फिर कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर्स को मार के अपना बदला ले लिया और स्कल आइलैंड का राजा बन गया। और अब तो वो ऑल ऑफ अर्थ का भी वो बन चुका है किंग, इसलिए हम उसे कहते हैं किंग कॉन्ग। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों की पावर्स और अबिलिटीज से, क्योंकि मेन तो पावर्स एंड अबिलिटीज ही होती है, प्लस इनकी वीकनेस के बारे में भी अब हम पावर्स एंड अबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेंथ। तो देखो भाई, हल्क बहुत पावरफुल है, हम मानते हैं कि भाई हल्क काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका साइज वो कॉन्ग के सामने बच्चा लगेगा, बट हल्क की स्ट्रेंथ कॉन्ग के सामने मतलब कॉन्ग हल्क के सामने उसकी स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हल्क के सामने हल्क के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि उसने जो है लिवाइथन जो क्या नाम था उनकी आर्मी का, चितौरी आर्मी के लिवाइथन को अपने एक पंच में ही ढेर कर दिया था, साथ ही साथ थैनोस को भी लगभग अच्छी टक्कर ही दे रहा था और उसने थॉर को भी बहुत तगड़ी टक्कर दी, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या ही कहें, वो लड़ाई करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार रहता है और जितना उसे गुस्सा आता है उतना ही उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और इसका हमें जो उदाहरण है, इसका एग्जांपल हमें काफ़ी सारी मूवीज कॉमिक्स एंड एनिमेस में देखने को मिला है, साथ ही साथ कॉन्ग को मतलब किसी से डरने लगता, यहाँ तक कि उसने सर्टे के ऊपर बिना सोचे समझे हमला कर दिया था, है ना। तो आप इससे समझ सकते हो कि जो अपना हल्क है वो कितना निडर है, यानी उसे किसी से डर नहीं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ग की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो देखो भाई, कॉन्ग बहुत पावरफुल जाइंट है, उसने बहुत तगड़े तगड़े मॉन्स्टर्स को हराया है अपने दम पे उसने दो क्रॉलर्स को हराया और उनके किंग को भी हराया, यहाँ तक कि उसने अपनी स्ट्रेंथ के दम पे गॉडजिला को भी ऑलमोस्ट गिरा ही दिया था, है ना, और उसने पानी में भी उसे फेंक दिया था, यहाँ तक कि कॉन्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना। तो देखा जाए तो हल्क और कॉन्ग दोनों इक्वली पावरफुल तो नहीं है, क्योंकि देखो हालांकि कॉन्ग बहुत बड़ा है, उसका साइज हल्क से काफ़ी बड़ा है, इसलिए वो थोड़ी उसकी स्ट्रेंथ उससे मतलब उस पर थोड़ी इफेक्टिव पड़ सकती है, बट हल्क जितना गुस्सा हल्क को आएगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए स्ट्रेंथ का पॉइंट मैं हल्क को देना चाहूँगा। तो एक पॉइंट जाता है हल्क।
नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो देखो ड्यूरेबिलिटी फाइट में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर सबसे पहले हम पोंग की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पोंग ड्यूरेबल है, माना उसने अटोमिक बीम जो बॉडी लगी थी उससे भी उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो ब्लेड लगा था उससे, जो हेलीकॉप्टर का ब्लेड लगा था उससे उसे चोट लगी थी, लेकिन इतनी भी नहीं लगी। उस पर मिसाइल्स का क्या मतलब, गन्स वगैरह का कोई असर नहीं होता है ना। तो ये कह सकते हैं कि भाई जो स्क्रल क्रॉलर ने जब उसका हाथ यहाँ पे काटा था तब भी उसे इतना डैमेज नहीं हुआ। तो कौन है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। अब हम बात करते हैं हल्क की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो हल्क तो भाई है ही अपना, जब हल्क तो भाई है ही अपना पावरफुल। यहाँ तक कि जब क्या कह रहा था कि भाई हल्क को जब कर्टन ने उठा के हल्क फेंक दिया था तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि थैनोस से फाइट होने के बाद हल्क थोड़ा वीक जरूर हो गया था, बट वो जो है जब वो स्पेस से अपनी अर्थ पे आया तो वो ब्रूस बैनर बन गया। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं हल्क की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो हल्क काफी ड्यूरेबल है, ये हमें पता चलता है जब चितौरी आर्मी ने उस पर गन्स, मतलब अपनी जो गन्स थी उससे शूटिंग की थी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। साथ ही साथ चितौरी आर्मी ने जो लिवाइथन है उससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि हल्क ने इन्फिनिटी स्टोन्स की रेडिएशन को भी सहा था, हालांकि उसका हार्ट डैमेज हुआ था, बट वो तब भी थैनोस की आर्मी से उसने फाइट की थी। और हल्क ड्यूरेबल है, लेकिन भाई अब बात करते हैं कॉन्ग और हल्क दोनों में से कौन ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो मेरे हिसाब से हल्क ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि हल्क ने रेडिएशन होता है वो सहा था। हालांकि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई कॉन्ग ने जो है जो क्या नाम है शिमू की आइस को सहा था, और यहाँ तक कि लेकिन आप लोगों को याद होगा कि उसके पास उसकी एक्स, लेकिन फिर भी उसके हाथ को डैमेज हुआ था। अपनी एक्स की वजह से ही वो शिमू से बच पाया था। यहाँ तक कि कॉन्ग का हाथ जब क्या नाम है उसका जो अपना क्या नाम है उसके पिंग पॉन्ग एक्स बॉटला के विलन का क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके पास जो विलन था वो भी कॉन्ग की तरह एपी था। उसका नाम तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो उसके वेपन से भी उस कॉन्ग को काफ़ी चोट लगी थी। तो देखा जाए तो हल्क कॉन्ग से ज़्यादा ड्यूरेबल है। नेक्स्ट आते हैं, तो अब हल्क के दो पॉइंट हो चुके हैं बट कॉन्ग के दो। नेक्स्ट आते हैं स्पीड पे। तो इसमें ऑब्वियसली बात है भाई ना, हल्क आगे होगा क्योंकि हल्क का साइज कॉन्ग से छोटा है, बट कॉन्ग का साइज बड़ा होने के कारण मतलब बड़ा है, बट फिर भी वो काफ़ी अजाइल है। यहाँ तक कि कॉन्ग जो है ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पे छलांग मार सकता है, और यहाँ तक कि उसने गॉडज़िला की एटॉमिक बीम को भी आसानी से डॉज किया था। और भी देखा जाए तो कॉन्ग अजाइल है, बट हल्क का साइज छोटा है और वो काफ़ी तेज भाग सकता है। तो स्पीड एंड एजिलिटी का पॉइंट जाता है गॉडज़िला, मतलब स्पीड का पॉइंट जाता है हल्क को। अब बात आते हैं, अब हल्क के थ्री पॉइंट हो चुके हैं। एजिलिटी पे बात की जाए तो मेरे हिसाब से एजिलिटी के मामले में भी हल्क आ गया, तो हल्क आ गया, बट कॉन्ग इक्वली अजाइल है। तो मैं दोनों को ही पॉइंट देना चाहूँगा। तो वैसे तो हल्क का साइज थोड़ा छोटा है, बट कॉन्ग का साइज बड़ा है, फिर भी वो काफ़ी तेज भाग सकता है ऊंची से ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग का पता नहीं खराब। दोनों को पॉइंट दिया जाएगा 4-1। नेक्स्ट आते हैं क्लाइंबिंग पे। तो क्लाइंबिंग वैसे तो ऑफिशियली मैं वीडियो में ऐड करने वाला था, बट चल कर लेते हैं। क्लाइंबिंग की बात की जाए तो दोनों को इसमें पॉइंट देना चाहूँगा, दोनों ही ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पे क्लाइंब कर सकते हैं, बट हल्क बहुत ही छोटा है उसका साइज कॉन्ग से, इसलिए वो काफ़ी स्पीड में किसी भी बिल्डिंग या वॉल को क्लाइम कर सकता है। तो मैं वैसे तो दोनों को ही पॉइंट देना चाहूँगा। तो 5-2 हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस को। तो इंटेलिजेंस पे बात की जाए तो मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से कौन आगे है,
हालांकि हल्क के अंदर एक इंसान है जो कि ब्रूस बैनर है और वो काफी इंटेलिजेंट है, और अब तो हल्क और ब्रूस बैनर काफी मिल चुके हैं और वो इंटेलिजेंट भी बन चुके हैं, है ना। अब उसे इंटेलिजेंट हल्क के नाम से हम बुलाते हैं। बट कॉन्क अपने आसपास की चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करता है, जैसे उसने स्कल क्रॉलर की फाइट में यूज़ किया था, उसने यहाँ तक कि अपने जो अपोनेंट है उसकी वो वीकनेस भी आसानी से समझ लेता है, उसको स्टडी कर लेता है। तो देखो, इंटेलिजेंस का पॉइंट वैसे तो मैं हल्क को दूंगा, क्योंकि फाइट में भाई हल्क की इंटेलिजेंस ज़्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। बट इंटेलिजेंट हल्क की इंटेलिजेंस इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती है, हालांकि वो एक बढ़िया साइंटिस्ट है और वो अब बढ़िया साइंटिस्ट बन चुका है यहाँ, लेकिन फाइट में हल्क की इंटेलिजेंस ही काफ़ी मैटर। 3 points हो चुके हैं हल्क के, 5 points हो चुके हैं अपने, मतलब 3 points हो चुके हैं कॉन्क के, 5 points। नेक्स्ट आते हैं इन दोनों की, अब क्या बात कर सकते हैं, नेक्स्ट आते हैं इन दोनों के वेपन के ऊपर। ये तो बहुत ही बढ़िया है, वेपन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से वेपन्स में हल्क जो है, हल्क को वैसे तो किसी वेपन की जरूरत है नहीं, उसका असली वेपन स्ट्रेंथ, हालांकि वो किसी भी वेपन का यूज़ कर सकता है, जैसे उसने थॉर रैग्नारोक मूवी में थॉर के अगेंस्ट किया था, लेकिन उसकी रियल वेपन उसकी स्ट्रेंथ है। और अब तो इंटेलिजेंट हल्क बन चुका है हमारा प्यारा हल्क, तो उसका मेन वेपन इंटेलिजेंस भी बन चुका है, बट उसका असली वेपन हम स्ट्रेंथ है और उसे किसी ऐसे वेपन की जरूरत नहीं पड़ती। बट कॉन्क के पास 2 powerful वेपन है, पहली उसकी एक्स जो कि गॉडज़िला की डॉर्सल प्लेट से बनी है, और वो गॉडज़िला के एटॉमिक बीम से चार्ज होती है, और जब वो फुली चार्ज हो जाती है तब उससे कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि उसने अपनी एक्स की हेल्प से गॉडज़िला को थोड़ा वीक किया था, मतलब उसे थोड़ा डैमेज किया था, मेगा गॉडज़िला को खत्म किया था। बात आती है कॉन्क के, अगर हम साइड में रखें, अब बात आती है कॉन्क के दूसरे वेपन जो कि है उसका हैमर है। कॉन्क काफ़ी ज़्यादा जो है, पहले जब शिवू की आइस से कॉन्क को काफ़ी डैमेज पड़ गया था उसके हैंड में, इस चक्कर में कॉन्क को जो मोनार्क है उसने जो है कॉन्क के लिए कुछ वेपन्स बना रखे हैं, ताकि अगर कॉन्क को जो है आगे आने वाली कुछ फाइट में अगर कोई ब्लैक मॉन्स्टर आता है, कॉन्क उसके सामने वीक पड़ जाता है, तो वो उसे वो वेपन्स देंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में कॉन्क के लिए उन्होंने एक हैमर एंड भी डिज़ाइन कर रखा था, और वो उन्होंने कॉन्क को दिया, उससे उसकी कॉन्क की जो है कॉन्क की हैंड की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हुई, और उसके हैंड की स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज हुई, यहाँ तक कि हाँ उस एप का नाम याद आ गया मुझे जिसने कॉन्क के हाथ को भी मतलब काट दिया था, मतलब कट मार दिया था, स्कार किंग नाम था उसको। तो यहाँ तक कि उसने स्कार किंग की फाइट में भी अपने इस हैमर एंड के जरिए ही उसे ऑलमोस्ट वीक कर दिया था। अब हम लोग बात, तो देखो वेपन्स का पॉइंट मैं देना चाहूँगा कॉन्क को, बट हल्क भी, हल्क का मेन वेपन स्ट्रेंथ है, और लेकिन अब तो हमारा हल्क इंटेलिजेंट हल्क बन चुका है कि नहीं, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। तो अब आते हैं, तो कॉन्क के 4 हो चुके हैं यहाँ, हल्क के 5। अब बात आते हैं इन दोनों की फाइट में कि कौन जो है लड़ा है, इसने कितनी फाइट जीती है। तो फाइट्स पर बात की जाए तो कॉन्क ने काफ़ी खतरनाक तरीके से गॉडज़िला को टक्कर दी थी, मैं गॉडज़िला के पुर्जे अलग कर दिए थे, उसके चीतड़े अलग कर दिए थे, उसने यहाँ तक कि जो कॉन्क है उसने यहाँ तक कि क्या कहना था मैं उसने यहाँ तक कि 2 स्क्रॉल क्रॉलर्स को अपने आप अकेले ही संभाल लिया था, और उनके किंग को भी हरा दिया था, यहाँ तक कि उसने जो स्क्विड होता है ऑक्टोपस, एक जाइंट ऑक्टोपस को आराम से पानी में ही निपटा दिया और उसको खा भी गया भाई, उसे तेल जो है तेल में पका, ठीक है। पर आते हैं हल्क की, तो हल्क ने भी काफ़ी एलियन से फाइट की है, उसने अबोमिनेशन है जो इनक्रेडिबल हल्क में विलन था उसे हराया था, उसने थैनोस को बढ़िया टक्कर दी थी, यहाँ तक कि उसने एक लिवाइथन सॉरी आदमी को ऑलमोस्ट ट्राई कर दिया था, गलत खत्म किया जा रहा था। अब और जब बात करें तो अल्ट्रोन की आर्मी को भी उसने हराया है, और रैग्नारोक में उसने और को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो देखो यार, तो देखो भाई, फाइट के मामले में दोनों ही इक्वल हैं, मैं दोनों को ही इक्वल मानना चाहूँगा, तो पॉइंट जाता है दोनों 6-5।
अब पार्ट आते हैं भाई, अब पार्ट करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मेन चीज का आते हैं। अभी तो मेरे को बुरा नहीं हुआ है, वीडियो बंद मत कर देना। अब लोग हम लोग बात करते हैं, हम लोग अब पॉइंट क्या हो चुके हैं 6.5। अब हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं पंचेस के ऊपर। तो देखो यार, हल्क जो हमारा हल्क है उसकी मेन पावर स्ट्रेंथ है, उसके पंचेस में तो देख सकते हो अपने पंचेस की हेल्प से स्वेटर की मुट्ठी दूर कर दी है कि नहीं, डिवाइजर को एक पंच में निपटा दिया। बट हल्क के जो बट हल्क के हाथों में इतनी ताकत नहीं है भाई जितनी ताकत कौन के हाथों में। उसके पास 7,700 टन की उसके हाथों में ताकत है, समझ सकते हो भाई ताकत है। और ये मैंने कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला की फाइट वीडियो कंपैरिजन वीडियो में तुम्हें बताया था, तुम लोग जाके वीडियो देख सकते हो, कमेंट में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे हिसाब से पंचेस के मामले में अपना कॉन्ग आगे है, क्योंकि वो अपने एक पंच पे वैसे तो हल्क में स्ट्रेंथ भरपूर है, बट कॉन्ग के पास मराई डाल चुका है जिससे उसकी ड्रॉ पंच की पावर इंक्रीज हो। तो मेरे हिसाब से क्योंकि उसका जो बॉडी है मतलब जो बॉडी है ना भाई वो गॉडज़िला की तरह उससे नहीं बनी सॉफ्ट होते है ना, उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है और गॉडज़िला के तरह सख्त नहीं, इसलिए उसकी वीकनेस रेडिएशन है और पानी। नेक्स्ट हल्क की भी वैसे तो कोई वीकनेस नहीं है, बट एक मिनट हो गई थी गलती से, हल्क की वीकनेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो है माइंड कंट्रोल। हल्क की वीकनेस जब कोई इसका माइंड कंट्रोल करता है, जो हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, जो वांडा है उसने हल्क का माइंड कंट्रोल कर लिया था और उसे जो है काफ़ी पागल कर दिया था, और यहाँ तक कि हल्क पूरे जो सिटी है उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था अगर हमारे टोनी भाई साहब वहाँ नहीं आते और अपने हल्क बस्टर आर्मर के थ्रू उसे नहीं हराते। अब बात करें हल्क के बारे में तो उसकी वीकनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक कि हल्क की वीकनेस जो है ना जो मैंने आपको बताया इमोशंस भी है, जैसे अगर वो इसे इमोशनल कर दे तो वो जो है नॉर्मल अपने फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम लोग बात करें इन दोनों की फाइट के बारे में, अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन निकल के ये आता है कि देखो पावर्स में दोनों के 6-6 पॉइंट, बट अब हम लोग मेन मेन फैक्टर्स पर बात करें। स्ट्रेंथ की बात करें तो कौन की स्ट्रेंथ इंक्रीज तो हो गई है उसकी हैमर एंड की वजह से और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी, बट हल्क जितना गुस्से में आएगा उतना ही वो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और ड्यूरेबिलिटी का तो क्या है। हल्क के पास रीजनरेटिव फैक्टर भी है, ये मैंने आपको नहीं बताया, हल्क के पास रीजनरेटिव फैक्टर भी है जिससे उसे कुछ होता नहीं, रीजनरेटिव पावर है जो कि कौन के पास नहीं है, तो वो उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बट जैसा कि हमें पता है कि हल्क जो है एक इंटेलिजेंट हल्क बन चुका है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो चुकी है अपने पहले वर्जन के मुकाबले, तो अगर इंटेलिजेंट हल्क कौन से लड़ता है तो कौन उसे इजीली डिफीट कर देगा, बट गुस्से वाला हल्क जो हमारा पहला हवाला हल्क था अगर वो उससे लड़ता है तो फाइट काफ़ी टक्कर की होगी। बट कॉन्ग के पास वेपन्स होंगे और वो अपने वेपन्स से कॉन्ग हल्क को काफ़ी डैमेज कर सकता है, और अगर गलती से बाय चांस कॉन्ग ने हल्क को खा लिया तो हल्क के अंदर गामा रेडिएशन भरा पड़ा है, हल्क गामा रेडिएशन से बना है, तो रेडिएशन कॉन्ग के बॉडी में जाएगी और कॉन्ग की बॉडी वीक हो जाएगी, मतलब कॉन्ग की बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। बट अगर कॉन्ग उसे नहीं खाता और अपने आर्मर है और अपने वेपन की हेल्प से उसे हराने की कोशिश करता है तो शायद कॉन्ग सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अगर हल्क ने एक पंच मारा और अगर कॉन्ग नीचे गिर गया तो भी दिक्कत होगी, बट अगर कॉन्ग ने एक पंच मारा और हल्क वीक हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों पावरफुल हैं, और अब भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से भाई बैटल का विनर अगर इंटेलिजेंट हल्क से कॉन्ग लड़ता है तो कॉन्ग जीतेगा, गुस्से वाले हल्क से अगर कॉन्ग लड़ता है
तो शायद हल्की हो, बट कॉन्ग भी जीत सकता है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन दोनों में से कौन जीत सकता है। आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो ये वाली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बस 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी डे।